तासीर हो है अपनी अपनी, यो जब गांत गर्म हो है ना, जब वो सारे सैल चारज हो जाए भीतर में, और फिर जी अनु कह ना भाई बागला ना आने दो, जो भगवान कसम मारा तो बता मैं कुछ सही टर तो बैठू मानू पानू पता रो क्या गोती में रो वस है क्या बाप मरिया सियाने का अपने मन का भेद बता दे काम नहीं शरमाने का ईसा कुसा मन मत ना जाने में मानस छोड़ ठिकाने का हर वक्त पान सी में रहन लाग गया मांगी राम सुसाने का मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया गुरु लक्ष्मी चंद के डेरे में गहरा के दुख दूर करया करूं या ताकत से मेरी ओ सलासा होया बठियारी गन्नू बजे भाई हर इतने मैं क्या बताऊं के बता बेबे क्या यहाँ का राजा है श्याम धाम के ठीक है उस ये भाई उसकी एक लड़की है जिसका नाम है रतन कौर भाई रे उसके किसी बीमारी से आधी रात के समय उस रतन कौर के मुख से एक सर्प निकलता है और भाई उसकी बेठमन नगरी का एक आदमी रोज जाता है 12 साल पहले मेरी देर का नंबर आया था जब ये लड़का मेरे गर्भ में था भाई रे उस दिन मेरा पति गया था उस दिन में रांड होगी थी आज 12 साल के बाद फिर मेरी देड़ का नंबर आ गया भाई रे उदन रांड हुई थी आज मन पुत्ती हो जाएगी आज मेरा छोरा जागा वीर विक्रमाजीत नुमजाए वे पे ये तो अन्याय है ये तो पाप है मैं कहूंगा थरे राजा न जाके बठियारी ना उसके लड़के ने लेकर वीर विक्रमाजीत राजा श्याम धाम के दरबार में चले गई वो बठियारी हाथ जोड़ के खड़ी होगी बोली महाराज मेरा कोई भी सहारा नहीं है मैं मेरी जिंदगी के दिन ये छोरे का सहारा तोड़ू सू हे राजन मेरे छोरे ने बख्श दे लेकिन उस श्याम धाम का कोई असर नहीं नुबले मानस देख कौन राजी से तर्क कोई और नाटेगा आज तू नाटे से बैठ में जाना पड़ेगा कोई माफी नहीं है सजरो 12 साल का बच्चा बाज के और अपनी मां के लिपट गया हे मां ये क्यों रोवस है मैं अकेला नहीं जो इस दुनिया में त जांगा या दुनिया तो हो के जान की से मां हाय मजी कभी के करूंगा हे मेरी मां देखे जरा इसे इसे राजा गद्दी पर बैठे हूं उस नगरी में चीर का भी कोई हक नहीं है सजरो शास्त्र बताता है जिस नगरी में अद्रम होता हो पाप होता हो चाहे वह जन्म स्थली भी क्यों ना हो उस जगह को छोड़ देना चाहिए वहां हे मां देख सारी दुनिया गई ये रोव मत छोटा 12 साल का बालक रोवे और अपनी रोती हुई मां के आंसू पूछे और समझावे क्या क्या कहता है कनाता बेरा नहीं भाई पंडित जी की ऐसी कविता ही है भाव से सुनोगे तो आख्या में पानी आओगा बेरा भी नहीं फूटेगा क्यों करा गया क्या भावना दर्शाई है माँ बेटे की छोटा सा बालक अपनी माँ ने के
कोन्या रे सारी दुनिया में जिनके चक्कर चला करके मां वे भी कोन्या रे इस दुनिया में क्या कहा पहली बात में रिश्वत नहीं दिया रमेश तड़क
बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान जी का। तीसरी बार तुम्हें जो करना गया मां बात सुन दे, सारा दो दिन का तमाशा बताया, ये बैठे हैं ये भी दो दिन का तमाशा है। इंसान है, बहुत अच्छे गायक कलाकार है, मेरे भाई हैं, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं अपने छोटे भाई का, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। आखिरी कड़ी में नुकन लगी वो छोरा कन्ना का नुला, ए मां ए तू मेरी खातर केस है और मैं तेरी खातर केस हूं मां, क्या